एंड्रन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा, क्राइसलर रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज, फॉरेस्ट द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस, मिडनाइट वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी, उरुसा वन ऑफ द मोस्ट लव फ्रेग्रेंस, बॉन स्ट्रीट परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एंड्रन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने वोटरों से की अपील, यूपी में दें एक मौका, करेंगे दिल्ली जैसा काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारे पार्टी प्रत्याशियों के लिए वीडियो संदेश जारी कर जनता से वोट मांगे। सांसद संजय सिंह द्वारा यह वीडियो ट्वीट किया गया है। इसमें केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से कहा कि दिल्ली में रह रहे अपने परिचितों को फोन कर पूछें कि केजरीवाल ने कुछ काम किया है या नहीं। यदि वह हाँ कहें तो वोट देकर यूपी में भी आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, वहाँ जैसे सभी काम यहाँ भी किए जाएंगे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल से हमारी सरकार चल रही है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पे सबके लिए शिक्षा मुफ्त कर दी है, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहाँ पे सबका इलाज मुफ्त होता है, अच्छा इलाज होता है। दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें अच्छी कर दी, पानी अच्छा कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक मौका देके देखिए आप हमें, उत्तर प्रदेश में भी ये सारे काम करेंगे। आपके दोस्त यार रिश्तेदार कोई तो दिल्ली में रहता होगा, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया। अगर वो कहे नहीं किया तो हमें वोट मत देना, और अगर कहे किया तो उत्तर प्रदेश में भी हमें एक मौका दो, वोट दो, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, ये सारे काम करेंगे। एक एक गारंटी जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने दी है, वो सारी गारंटी सारे वादे हम पूरे करेंगे। आपके इलाके में पंकज वाना जी खड़े हो रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं, उन्हें वोट देना, झाड़ू का बटन दबाना और आम आदमी पार्टी को एक मौका देना। उत्तराखंड के देहरादून में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति, ये विकास की बात, कभी आपने किसी दूसरे राजनीतिक दल को कोई रिपोर्ट कार्ड देते हुए देखा है? कभी कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है? हर चुनाव उनके लिए नया होता है, नए नारे, नए वायदे, नई बेवफाई, अगले चुनाव में फिर नए वादे, पिछली बातें भुला दो। ये लोगों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट कार्ड रखने की संस्कृति ये किसी ने सिखाई है भारत में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश में सिखाया। इसलिए हम ये विकास करेंगे, हम ये विकास कर रहे हैं, हमने ये किया है, ये कहने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। दूसरी बात, यह विचारों की पार्टी है। जब हम विचारों की पार्टी कहते हैं तो हम यहां सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, ये कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठ करके परिवर्तन लाने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बाकी पार्टियां तो परिवार की पार्टियां बन गई, सीमित पार्टी बन गई, उनका परिवार ही पार्टी है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू करो, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है। ये उत्तराखंड में भी नेता नहीं घोषित कर पाते,
सिर्फ परिवार के नेताओं को ही घोषित करते हैं, बाकी किसी को घोषित नहीं करते। सब परिवार की पार्टियां बन गई हैं और भारतीय जनता पार्टी पार्टी ही परिवार है, ये हमको याद रखना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये चार धाम की सड़क, 12,000 किलोमीटर की सड़क, ये केदारपुरी का विकास, ये अपने आप में एक तस्वीर बनने वाली है। ये रेल लिंक डोईवाला से लेकर के टनकपुरी से होते हुए जिसका आपने 100% लैंड एक्विजिशन कर लिया है, ये विकास की नई कहानी कहने वाली है। ये लॉ यूनिवर्सिटी अपने आप में विकास की नई कहानी कहने वाली है। ये उद्धम सिंह में सैटेलाइट सेंटर बनना ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज का, ये विकास की एक नई कहानी कहने वाली है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उत्तराखंड विकास, अगला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक है, ये विकास की दृष्टि से हमको याद रखना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व विषय पर एक कार्यक्रम में कही बड़ी बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों आयोजित धर्म संसदों में दिए गए बयान को खारिज किया है। इन बयानों से असहमति जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व को मानने वाले लोग उस बयानों से कभी सहमत नहीं होंगे। भागवत ने रविवार को मुंबई में राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व विषय पर एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म संसद में जो बयान दिए गए वह शब्द कर्म हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मैं गुस्से में कुछ कह दूं तो वह हिंदुत्व नहीं है। संघ प्रमुख ने रायपुर में हुई धर्म संसद का उल्लेख करते हुए कहा कि आरएसएस या हिंदुत्व को मानने वाले इसमें विश्वास नहीं करते। संघ प्रमुख ने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही थी। उन्होंने ये बातें गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी, किसी को खत्म करने या नुकसान पहुँचाने के संदर्भ में नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने अलीगढ़ में जनसभा के दौरान भाजपा पर नोटबंदी और बेरोजगारी को लेकर किया हमला, साथ ही भाजपा को सबसे बड़ी जिन्ना पार्टी बताया। साथियों, चुनाव का मौका है, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार करने आपके बीच में आएंगे, लेकिन जब आपके बीच में आए तो इनके पुराने वादों को याद कर लेना। 2014 का चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में निकले थे, उन्होंने कहा था इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा। जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए खाते में, 15 रुपए भी नहीं आए। और जो पैसा आपके घरों में था, माताओं बहनों ने पति से पैसा चुरा के संदूक में रखा था, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आ जाएगा, जमीन खरीदनी होगी तो ये पैसा काम आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही 1,500 की नोट काला धन है, इसको लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी पैसा साफ कर दिया तुम्हारा। 100 आदमी लाइन में लग के मर गए, काला धन नहीं आया। दूसरा क्या बोले, बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हिंदुस्तान दुनिया में बेरोजगारी की सूची में नंबर 1 पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। आज इस चुनाव में जब ये लोग बात करने के लिए आए तो इनसे काला धन का हिसाब मांग लेना, नौकरियों का हिसाब मांग लेना, किसान के फसल दोगुना करने का हिसाब मांग लेना। और बाबा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा जी चुनाव प्रचार में निकले हैं तो वो हिंदुस्तान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे भाजपाइयों पे सबसे ज्यादा दया आती है, वो हिंदुस्तान का चुनाव पाकिस्तान के नेता जिन्ना के नाम पे लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? हर चुनाव में जिन्ना 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 जिन्ना, ये भाजपाइयों के दिमाग पे जिन्ना का भूत सवार हो गया, जिन्ना के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा भाजपाइयों से, मैंने कहा भाजपाइयों, आओ उत्तर प्रदेश का चुनाव
गन्ना गन्ना करके लड़ो, तुम्हारा हाथ पकड़ के किसान तुमको खेत में ले जाएगा जहां उसने अपने गन्ने को जलाने का काम किया। और जिन्ना जिन्ना कर रहे हो, अलीगढ़ के लोगों आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, यहां भी आपको बता के जा रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जिन्नावादी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुझे जरा बताओ, जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने कौन गया था? लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी तीन राज्यों में आजादी के पहले? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में, बंगाल में मुस्लिम लीग की जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने सरकार बनाई थी। जिन्नावादी ये लोग हैं, जिन्नावादी हिंदुस्तान के लोग नहीं। पंजाब के लुधियाना में जनता से बात करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बाकियों से अलग बताया। साथ ही बोले, मोदी योगी अहंकार से चूर हैं और जनता से दूर हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं? कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए? सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है? ना, नहीं करेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए, कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है, कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चलाया जा सकता। राहुल गांधी की वर्चुअल रैली में दिखी सिद्धू की नाराजगी। बोले, अध्यक्ष रहा तो विधायक है, उनके बेटे को चेयरमैन नहीं बनने दूंगा। राहुल गांधी की वर्चुअल रैली के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी साफ झलकती रही। उन्होंने कहा, मैं 13 साल भाजपा में रहा, लेकिन मुझे यहाँ वहाँ भगाते रहे। राहुल गांधी ने 4 साल में मुझे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मुझे अब कोई लालच नहीं है। इसके बाद उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा तो विधायक या उनके बेटे को बोर्ड या कॉरपोरेशन का चेयरमैन नहीं बनने दूंगा, वर्कर को ही यह पद मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू को एक मजबूत और स्टार प्रचारक बताकर उनकी तारीफ की। रामनगर में रोड शो बीच में छोड़कर आधे रास्ते से ही लौट गए मुख्यमंत्री धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के लिए रामनगर में वोट मांगे। प्रत्याशी के समर्थन में नगर में रोड शो भी किया। सीएम 20 मिनट ही रोड शो में रुके, इसके बाद वे देहरादून रवाना हो गए। इसके बाद उन्होंने लखनपुर से रानीखेत तक रोड शो किया। सीएम के साथ भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट भी साथ थे, लेकिन सीएम धामी आधे रास्ते से ही रोड शो छोड़कर हेलीपैड पहुंच गए। हालांकि सीएम को क्षेत्र के कई हिस्सों में उन्हें रोड शो करना था। करहल के मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बातों ही बातों में योगी की तुलना कंप्रेसर से कर दी।
अभी कुछ दिन पहले रथ चल रहा था आगरा में, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि अज्ञात लोगों पर वहां भी कुछ जो प्रोटोकॉल है, कोविड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने की शिकायत पर भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहां हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी आई, उसके कारण हमें और आपको सबको अपना नाक और मुंह बंद करके चलना पड़ा, और आज भी ऐसा है कि अगर बीमारी से बचना है तो हमें और आपको अपने नाक और मुंह बंद करके रखना है। लेकिन अब चुनाव आ गया है, अब चुनाव आ गया है, और ये चुनाव जिस चरण में है वो तीसरे चरण में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। यहां जितने किसान भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना हो, खेती ना करता हो, और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है, और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने हो गए तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली। नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी, और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है, ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है। यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहां ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था, जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए, महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए, और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं हैं। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में,
तो फ्रिज ठंडाई तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और समाजवादियों ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। दिल्ली में 1400 और केरल में आए 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। देश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर भी कम हो रहा है, सक्रिय मामलों में भी गिरावट हो रही है। आज जारी हुए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1410 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 मौतें और 2506 रिकवरी भी दर्ज की गई हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8000 से ज्यादा है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटों के अंदर 26,729 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 59,261 रिकवरी और 22 मौतें दर्ज की गई हैं। दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत में लगातार बदलते मौसम के बीच रविवार को दिन भर चटक धूप खिली रही। आज यानी सोमवार को तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बुधवार से मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हिमपात होगा। वहीं उत्तराखंड में मंगलवार से हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि दिल्ली NCR के इलाकों में आज यानी सोमवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।